तो स्टोरी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे ये चैन ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए जावलोंग को अपने से काफी ज्यादा दूर धकेल दिया था, और उसको ऐसा करते देख वहाँ के सभी खड़े डिसेबल कहते हैं कि ये लड़के की हालत तो देखो, ये अभी फर्स्ट लेवल का होकर चला है फिफ्थ लेवल के वॉरियर से टक्कर लेने, लगता है सच में इसको अपनी जान प्यारी नहीं है। लोंग भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तो बिल्कुल ही ताकत नहीं है और फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तभी येचेन सोचता है कि लोंग तो लेवल 5 पर है और मैं लेवल 1, यदि हम दोनों में लड़ाई होती है तो मैं इससे काफी मुश्किलों से जीत सकता हूं, क्योंकि बॉडी रिफाइनिंग के बाद मेरी भी पावर बढ़ गई है। और इतना सोच येचेन और लोंग दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, लेकिन इन दोनों के अटैक आपस में टकराते उससे पहले ही वहां पर एल्डर आ जाते हैं और इन दोनों को रोक देते हैं, और वो कहते हैं कि मिशन हॉल के अंदर कोई भी मिसबिहेव नहीं कर सकता और यहाँ पे किसी को भी फाइट करना अलाउड नहीं है। और उन्हें ऐसा कह वो दोनों रुक जाते हैं। तभी जावलन गुस्से में वहाँ से जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर जरूर देख लूंगा। फिर येचेन अपने लिए ब्लड वॉल्फ मिशन को सिलेक्ट करता है और फिर वो अपना मिशन सिलेक्ट करते ही मॉन्स्टर फॉरेस्ट में आ जाता है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ब्लड वॉल्फ की तलाश करने लगता है। तभी वहाँ पर उसे एक पर्पल गिंसन नजर आता है और वो उसे लेने जाने ही वाला था कि तभी उसे याद आता है कि पर्पल गिंसन के पास सिर्फ ब्लड वॉल्फ पाए जाते हैं, और सेच अपने हैवी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और वो पर्पल विल्सन के पास जाने लगता है और उसके पास जाकर उस पर्पल विल्सन को तोड़ देता है। और इतने में ही वहां पर ब्लड वॉल्फ भी आ जाता है, जिससे येचेन बच वहां से भागने लगता है, क्योंकि ब्लड वॉल्फ काफी ज्यादा पावरफुल था और येचेन थोड़ा सा कमजोर, जिसकी वजह से येचेन को वहां से भागना पड़ता है। और येचेन वहां से भागते भागते अपनी हैवी स्वॉर्ड से ब्लड वॉल्फ पर अटैक करते ही जा रहा था, लेकिन उसकी हैवी स्वॉर्ड का ब्लड वॉल्फ पे कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्लड वॉल्फ काफी ज्यादा पावरफुल था। और येचेन सोचता है कि ये लेवल 5 का बीस्ट है, तभी इसके लिए मुझे कोई अदर टेक्निक यूज करनी होगी। ये ब्लड वॉल्फ काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे इसे हराने के लिए कोई अदर टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इससे बड़ी ही आसानी से हार जाऊंगा। और ये सोच येचेन अपनी हैवी स्वॉर्ड को छोड़ अपनी रिफाइन बॉडी की पावर से उस ब्लड वुल्फ पर अटैक कर देता है, लेकिन इससे भी ब्लड वुल्फ को कुछ नहीं होता। और ये देख येचेन वहां से भागने लगता है, लेकिन ब्लड वुल्फ उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे पड़ जाता है, और फिर येचेन का पीछा करते हुए उसके ऊपर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, जिससे येचेन बच जाता है। लेकिन अचानक ही वुल्फ वहां पर आकर येचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि येचेन वहां पर दूर जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है और उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और ये देख वुल्फ येचेन के ऊपर फिर से एक बार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये देख येचेन बड़े ही चलाकी से वहां से हट जाता है और वो वुल्फ नीचे गिरने लगता है। तभी मौका देख येचेन अपनी हैवी स्वॉर्ड से उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो वुल्फ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर येचेन अपनी हेवनली पावर का यूज कर उस वुल्फ के ऊपर एक ही अटैक में उस वुल्फ को मार गिराता है, और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो वुल्फ मर जाता है, उस वुल्फ के अंदर से एक एनर्जी बॉल बाहर आती है और येचेन उस बॉल को अपने पास रखने ही वाला होता है कि तभी कोई छुप कर उन दोनों की फाइट देख रहा था और वो जैसे ही मौका पाता है वो अपनी नीडल से येचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बॉल वहां से गिर जाता है और वो इनविजिबल मैन येचेन के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। और ये देख येचेन अपने आप को बचाते हुए उस आदमी से कहता है कि तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, लेकिन वो आदमी अभी भी येचेन के ऊपर छुप छुप कर पॉइजनस नीडल से अटैक करते ही जा रहा था, और उनमें से एक नीडल येचेन के गर्दन पर लग जाती है और उस पॉइजन के कारण येचेन की हालत खराब होने लगती है। अभी हम देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आ जाता है जो येचेन से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे ब्लड वुल्फ की बीस्ट पिल मिल गई है और मैं अब तुम्हें भी मार दूंगा। तभी येचेन अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा स्ट्रांग था जो येचेन के सभी अटैक से आसानी से बच जा रहा था, जिससे कि ये वो आदमी येचेन के ऊपर काफी एक जोरदार किक धर देता है, जिससे कि येचेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उस पॉइजन के कारण येचेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अब खुद को संभाल नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। और वो आदमी येचेन के पास आता है और उसे येचेन के अंदर हेवनली फ्लेम को देख येचेन को मारने की कोशिश करता है, और वो आदमी येचेन को मारने ही वाला था कि तभी येचेन वहां पर उठ उस आदमी को पकड़कर इधर उधर पटक के लगता है मारने, जिससे उस आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे इस पर इस तरह छुप छुप कर अटैक करने की। येचेन के इतना ज्यादा पटकने से वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर येचेन उस बीस्ट पील को आसानी से ले लेता है और साथ ही वो उस आदमी के बैग को भी अपने पास रख लेता है। और फिर तभी हमें एक ब्लैक ड्रैगन पवेलियन को दिखाया जाता है, जिसमें कि दो लड़के एक एल्डर के पास आए थे।
वहाँ मौजूद लड़का एल्डर से कहता है कि मेरे लीडर को पता चला है कि आपके पास एक टियानजी नाम की एक स्पिरिचुअल पिल है और हमारे लीडर उस पिल को खरीदना चाहते हैं। वो लड़की जिनका नाम है उनसे कहती है कि हमारे लीडर आपको इस पिल के बदले काफी अच्छी कीमत देंगे, लेकिन जी बताता है कि टियानजी स्पिरिचुअल पिल का ऑक्शन होने वाला है इसलिए मैं उसे नहीं बेच सकता। तभी वो लड़की जी को काफी अच्छी तरह से रिझाने की कोशिश करने लगती है और उनसे कहती है कि आप मुझे जो भी कहोगे मैं वो सब करूंगी, बस वो पिल को मुझे दे दो। लेकिन तभी जी अपनी पावर की मदद से उन दोनों को उधर से काफी दूर फेंक देते हैं और अब वो लड़की गुस्से में आकर जी पर अटैक कर देती है। उसके अटैक को देख जी अपनी चारों तरफ एक शील्ड बना लेते हैं और वो इस लड़की को फिर से एक बार दूर फेंक देते हैं। और तभी गुस्से में जी उन दोनों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ब्लड ट्रस्ट हॉल हमारे टियानजी सेक के साथ फाइट करना चाहता है। तभी वो लड़का कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम आपसे फाइट करना नहीं चाहते। अगर वो पिल ऑक्शन के लिए है तो हमें वो पिल नहीं चाहिए क्योंकि हम उस पिल को ऑक्शन में ही ले लेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से डर कर जाने लगते हैं और वो दोनों वहाँ से जाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं कि यदि हमने मिशन कंप्लीट नहीं किया तो लीडर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वो लड़का वहाँ से जा रही एक खूबसूरत लड़की को देखता है और वो अपने पार्टनर से कहता है कि अगर हम हैंगविन सेक की इस खूबसूरत लड़की को अपने लीडर को गिफ्ट कर दें तो हमारी जान आसानी से बच सकती है और हमारे लीडर हम पर गुस्सा नहीं होंगे। और फिर वो दोनों उस लड़की का पीछा करने लगते हैं और आगे जाकर उन्हें वो लड़की कहीं भी नजर नहीं आती। और तभी वो लड़की उन दोनों को आवाज देती है कि क्या तुम दोनों मुझे ही ढूंढ रहे। दोस्तों इतना ही क्या, हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें इस लड़की और इन दोनों लड़कों के बीच फाइट दिखाई जाएगी जो काफी मजेदार होगी क्योंकि ये फाइट 1 vs 2 की होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर करें।